everyone. Welcome to my channel. I hope you all are hale and hearty. Friends, आज हम लोग मुनगे की फली बना रहे हैं। ये देखिए मुनगा, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको मोरिंगा भी कहा जाता है, सहजन की फली कहते हैं, ड्रम स्टिक्स और मराठी में शेवगाची भाजी भी बोलते हैं इसको। तो चलिए आज हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। मैंने ये मुनगा लिया है, इसको छीलकर कट करके पीसेस में रखा है। बैंगन है और ये जो पेस्ट है इसमें जिंजर गार्लिक और जीरा मैंने पीस के रखा है। ये टोमेटो प्यूरी, बेसन, गुड़ और हरा धनिया। आज हमको जो मसाले लग रहे हैं, नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर। इसको दो तरह से बनाया जाता है, एक टमाटर डालकर और एक गरम मसाला डालकर। तो आज हम गरम मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टमाटर से ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमने ये पॉट में तेल ले लिया है और तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम हमारा जिंजर गार्लिक जो हमने क्रश करके रखा है उसको ऐड कर देंगे। दो मिनट पका लेते हैं, इसका कच्चापन पूरा चला जाना चाहिए। इसमें अब बैंगन ऐड कर देंगे हम और साथ ही में मुनगे की हमने जो फली छील के रखी है उसको भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से चला के 10 मिनट हम इसको ढक के पकने देंगे। इसमें अब हम मसाले ऐड कर देंगे। नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर। और हमने ये जो बेसन वगैरह लिया है उसको भी ऐड कर देते हैं। बेसन, गुड़, और टोमेटो प्यूरी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट हम ऐसे ही ढक के पकने देते हैं। हमने इसमें जो बेसन ऐड किया है उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी जब हम बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। मसाले काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम पानी छोड़ देते हैं। और
थोड़ा सा कोरिएंडर, इसको हम अब 10 मिनट पकने देंगे। हमारी सब्जी देख लेते हैं एक बार, देखिए एकदम बढ़िया पक चुकी है। इसको हम गैस बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी सब्जी एकदम रेडी है, देखिए लग रही है ना कितनी टेस्टी। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।